एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार हर संभवत इस महामारी से लड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं साथ ही इसी दौरान राष्ट्रीय हिंदू सेना भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा जंगली लहसुन का तेल निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। आज विभाग मीडिया प्रमुख अखिलेश वाघमारे ने बताया कि राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा बैतूल जिले में बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना वायरस को जड़ से समाप्त करने के प्रयास में संगठन द्वारा रामवान साबित होने वाला जंगली लहसुन की डिब्बी को जगह जगह निःशुल्क वितरित किया गया। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय ने बताया कि वायरस के संक्रमण के चलते जंगली लहसुन के तेल को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, पिपरिया, बालाघाट, भोपाल, होशंगाबाद आदि जिलों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके सूंघने से कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि ठीक हो रहा है, जिसके कारण कोरोना वायरस होने की संभावनाएं कम हो रही हैं। इसी तर्ज पर एक बहुत बड़ी पहल की शुरुआत करते हुए राष्ट्रीय हिंदू सेना बैतूल द्वारा ये निर्णय लिया गया कि ये कार्य जनहित के लिए हमें भी करना चाहिए और हमने इस कार्य का बीड़ा उठाया है और निःशुल्क लहसुन की तेल की शीशी वितरित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग मीडिया विभाग को वितरित कर शुभारंभ किया है। आगे भी हमसे जो संपर्क करेंगे उनको हम ये तेल निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। तहलका इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।